उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आज की वीडियो को लाइक करें और साथ साथ ये उन्वान आखिर तक देखें ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह आज की बातें आ जाए। आज उर्दू ग्रामर में हमने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो है इज़ाफ़त-ए मक़लूब। इज़ाफ़त-ए मक़लूब किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है कि आप देखें कि इससे मुराद क्या है। असल में इज़ाफ़त-ए मक़लूब का ताल्लुक़ ये मुरक्कब इज़ाफ़ी से है, और वो आपको मालूम है पहले ये से कि मुरक्कब इज़ाफ़ी मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ से बनता है। मसलन ज़मज़म का पानी, तो इसमें आप देखिए ज़मज़म ये मुज़ाफ़ इलैह है और पानी ये मुज़ाफ़ है, ये का इसमें हर्फ़ इज़ाफ़त है। लेकिन फारसी में ये मुरक्कब इस तरह बनता है कि आबे ज़मज़म पहले मुज़ाफ़ आता है और फिर मुज़ाफ़ इलैह, यानी इस तरह ज़ेर के जरिए फारसी में ये मुरक्कब बनता है। बाज़ औक़ात ये बग़ैर ज़ेर के भी ये लफ्ज़ बनता है, ये मुरक्कब बनता है। जैसे एक मिसाल मैंने यहाँ दी है शबनम, शब और नम ये दो अल्फाज का मजमू है, एक है शब और एक है नम। आपको मालूम है कि शब रात को कहते हैं, नम की मानी है नमी, तो इसके मानी है रात के आंसू। अब देखिए इसमें कोई ज़ेर नहीं है फिर भी ये मुरक्कब इस तरह बना हुआ है, रात के आंसू। तो इसमें शब क्या है? रात मुज़ाफ़ इलैह है और नम ये आंसू क्या है? ये मुज़ाफ़ है। इसको कहते हैं इज़ाफ़त-ए मक़लूब, क्योंकि वहाँ आपने देख लिया कि उर्दू में सबसे पहले मुज़ाफ़ इलैह आता है और फिर बाद में मुज़ाफ़ आता है। यहाँ फारसी में आपने देख लिया कि आबे ज़मज़म पहले मुज़ाफ़ और फिर मुज़ाफ़ इलैह, लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ फारसी का यही मुरक्कब ही है लेकिन इसमें मुज़ाफ़ इलैह पहले आया हुआ है। तो इज़ाफ़त-ए मक़लूब कहते ही इसी को है कि जब मुज़ाफ़ इलैह पहले आ जाए और इसमें अगर ज़ेर हो या ना हो और मुज़ाफ़ बाद में आ जाए तो इसे कहते हैं इज़ाफ़त-ए मक़लूब। जैसे एक और मिसाल पीरानी पीर, आप देखिए पीरानी पीर, इसमें देखिए कि यहाँ पर पीरान ये क्या है? ये मुज़ाफ़ है और पीर क्या है? मुज़ाफ़ इलैह। ठीक, मज़ीद मिसाल आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं पस मंज़र, इसको लोग अक्सर पस मंज़र कहते हैं, ये लोग से पस मंज़र या हिंदुल वली या मुंह अंधेर या नाआक़िबत अंदेश, ये ऐसे मुरक्कबात है कि सब के सब तकरीबन मुरक्कब इज़ाफ़ी है और इज़ाफ़त-ए मक़लूब की वजह से ये इस तरह बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि इज़ाफ़त-ए मक़लूब में जो लफ्ज़ मक़लूब है इसके माने क्या है। ये मक़लूब का लफ्ज़ असल में अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये क़ल्ब से निकला हुआ है। तो इज़ाफ़त-ए मक़लूब जो मक़लूब है वो क़ल्ब से है और क़ल्ब के मानी है उलट देना या उलट जाना। तो यूँ मक़लूब के मानी बनते हैं उलटने वाला या पैरने वाला, जैसे मुक़ल्लबल क़ुलूब यानी दिलों को पैरने वाला, ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। तो यूँ आप समझ गए होंगे कि शब नम, शब कहते हैं रात को और नम ये नमी सी है, तो शब यहाँ पर क्या है? मुज़ाफ़ इलैह है और नम क्या है? मुज़ाफ़ है। तो ये कवायद के खिलाफ आया हुआ है कि फारसी मुरक्कब इज़ाफ़ी में उमूमन पहले मुज़ाफ़ आता है बाद में मुज़ाफ़ इलैह, लेकिन अगर इस तरह आ जाए कि पहले मुज़ाफ़ इलैह आ जाए और बाद में मुज़ाफ़ आ जाए चाहे इसमें ज़ेर हो या ना हो तो इसे कहती है इज़ाफ़त-ए मक़लूब। तो उम्मीद है कि आप आज अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइंदा किसी नए उन्वान तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।